मच्छरों को एक हानिकारक कीट माना जाता है जो इंसान या अन्य जीव जंतुओं का खून चूसकर जिंदा रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर मच्छर नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि मच्छर आपका खून चूसते हैं फिर वो वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं, लेकिन क्या कभी इस बारे में आपने सोचा है कि मच्छर इंसानों का खून क्यों पीते हैं? उन्हें आखिर ये आदत पड़ी कैसे? पहले वैज्ञानिक भी इस सवालों के जवाब नहीं जानते थे, लेकिन अब उन्होंने इसका जवाब ढूंढ लिया है जो बेहद ही हैरान करने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले मच्छर खून नहीं पीते थे, उनके अंदर एक वजह से धीरे धीरे यह बदलाव आया। मच्छरों ने इंसानों और अन्य जानवरों का खून पीना इसलिए शुरू किया क्योंकि वो सूखे प्रदेश में रहते थे। जब भी मौसम सूखा होता है और मच्छरों को अपने प्रजनन के लिए पानी नहीं मिलता तो वे इंसानों या जानवरों का खून चूसना शुरू कर देते हैं। न्यू जर्सी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने कुछ समय पहले अफ्रीका के एडीएस एजिप्टी मच्छरों का अध्ययन किया था। ये वही मच्छर हैं जिसकी वजह से जीका वायरस फैला है। डेंगू और पीला बुखार भी इसी कारण होता है। न्यू साइंटिस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के मच्छरों में एडीएस एजिप्टी मच्छर की कई प्रजातियां हैं। सारी प्रजातियों के मच्छर खून नहीं पीते, ये कई अन्य चीज़ों को खा पीकर अपना गुजारा करते हैं। शोधकर्ता नोआह रोज ने इस रिपोर्ट में दावा किया था कि किसी ने अभी तक मच्छरों की विभिन्न प्रजातियों के खान पान को लेकर अध्ययन नहीं किया। हमने अफ्रीका के सब सहारन रीजन के 27 जगहों से एडीएस एजिप्टी मच्छर के अंडे लिए। इन अंडों से मच्छरों को निकलने दिया, फिर इन्हें इंसान, अन्य जीव, गिनी पिग जैसे लैब में बंद डिब्बों में छोड़ दिया ताकि उनके खून पीने के पैटर्न को समझ सकें। एडीएस एजिप्टी मच्छरों की अलग अलग प्रजातियों के मच्छरों का खान पान एकदम अलग निकला। नोवा का कहना था कि ये बात एकदम गलत साबित हो गई कि सारे मच्छर खून पीते हैं। हुआ यूं कि जिस इलाके में सूखा या गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पानी कम होता है, वहाँ पर मच्छरों को प्रजनन के लिए नमी की ज़रूरत पड़ती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए मच्छर इंसानों और अन्य जीवों का खून पीना शुरू कर देते हैं। मच्छरों के अंदर ये बदलाव कई हज़ार साल में आया है। एडीएस एजिप्टी मच्छरों की खास बात यह थी कि बढ़ते शहरों की वजह से पानी की किल्लत से जूझने लगे, तब जाकर इन्हें इंसानों का खून पीने की ज़रूरत पड़ने लगी। लेकिन जहां इंसान पानी जमा करके रखते हैं वहां एनोफिलिस मच्छरों को कोई दिक्कत नहीं आती। ये अपना प्रजनन कूलर, गमले, क्यारी जैसी जगहों पर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पानी की कमी महसूस होती है ये तुरंत इंसानों या अन्य जीवों पर खून पीने के लिए हमला कर देते हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।